देखिएगा पॉजिटिविटी पे अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 और 200 के बीच में आ रहे हैं और ये काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब कम से कम एक महीना हो गया है, स्टैंड मतलब 100 और 200 के बीच में लगातार चल रहे हैं, हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन पे बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं, कोई ऐसा एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन सर, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछली लहर के बाद जो अपना एक्शन प्लान बनाया था उसमें पॉजिटिविटी पे ही फोकस था कि 0%, अब चीज़ें बदल गई है, केंद्र सरकार ने भी बदल दी, अब 10% पे गया केंद्र सरकार ने। कारण क्या होता है कि पॉजिटिविटी तो टेस्ट जैसे हैं, अगर आप 10,000 कर लेंगे तो लोग उतने नहीं, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल एडमिशन है, आज हॉस्पिटल में 49 पेशेंट एडमिटेड हैं, जो जो पिछले एक महीने पहले 100 से ऊपर थे, तो धीरे धीरे एक एक दो दो पर डे के हिसाब से कम ही हो रहे हैं, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। जो वेरिएंट की बात है, देखो कोरोना का जो है वेरिएंट तो अभी सैकड़ों चल रहे हैं, बहुत सारे वेरिएंट आएंगे, नए नए आएंगे, हर रोज उसका म्यूटेशन होगा। जब तक कोई वेरिएंट खतरनाक नहीं होता है तब तक उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। WHO ने ऐसा कोई भी अभी नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया है, जब तक कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं आता है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये नया वेरिएंट, तो मुझे लगता है कि हर रोज़ दुनिया भर में कोई ना कोई नया वेरिएंट होगा। लेकिन सर फिर भी जो संक्रमण दर है वो 1.5% के आसपास, संक्रमण दर का मैं बता रहा हूँ ना, संक्रमण दर पे आप इतना ध्यान ना दें। टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 से 200 के बीच में चल रहे हैं, आज से एक महीना पहले भी 100, 150, 200 थे, अब वो 100 के आसपास चल रहे हैं, तो 100 से 200 के बीच में चल रहे हैं, लगातार हम निगाह रखे हुए हैं। और जो हॉस्पिटल एडमिशन है, हॉस्पिटल एडमिशन डे बाई धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। कल का जो हॉस्पिटल एडमिशन थे 49 थे, जो कि एक महीना पहले 150 के आसपास थे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड और उसमें छूट दी गई, मास्क पहनने पे तरह से जुर्माना हटा दिया गया, लोगों में कहीं ना कहीं मतलब निश्चिंतता का भाव है कि अब लापरवाही एक तरह से दिख रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे लापरवाही वाली बात है। देखो जो कोविड है, मैं आपको बता देता हूँ, जो 1918 में आया था ये बीमारी, 100 साल के बाद आई है, तो 100 साल के बाद आई, अभी ऐसा नहीं लगता कि कोविड अभी 1 साल 2 साल 5 साल में जाने वाला है, तो इट विल टेक सम लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा समय लगेगा, हमें उसके साथ जीने की सीखना पड़ेगा। सर वो प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीन अब दी जा रही है, दिल्ली की क्या कुछ तैयारी उसे लेकर? बिल्कुल तैयारी कर ली गई है, प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट की जा रही है और सभी को दी जाएगी जल्द से जल्द। दिल्ली सरकार की कोई तैयारी, क्योंकि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, अभी प्राइवेट में स्टार्ट किया, सरकार की जल्द से जल्द चालू करेंगे। कई लोग मांग कर रहे हैं उसके लिए कि उसे फ्री किया जाए, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मांग? देखिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री किया जाना संभव नहीं है, सरकार के यहाँ पर 100% फ्री है। और ये कहना कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसको फ्री कर,